गरीब राज्य है। और अभी तो उप मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलता तब तक तो हम बिल्कुल खत्म हो जाते, हम गरीब नहीं रहते। तो सब तो देते नहीं या देंगे भी नहीं, तो हम लोग तो अपनी तरफ से ही सारा काम कर रहे हैं। और इतना काम करते करते लोगों की आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में सुधार आया है और आगे और ज्यादा बढ़ाना है हम लोगों को, तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त मौजूद है पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जहाँ पर देखिये नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ पर नव नियुक्त कनीय लेखा लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक का कह सके तो नियुक्ति पत्र बट चुका है। नीतीश कुमार मौजूद हैं, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद हैं, विजय चौधरी जो कि बिहार के मंत्री हैं, संजय झा जो कि जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, वो सभी यहां मौजूद हैं। और उन सभी की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ, सभी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है और हजारों की संख्या में जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि बिहार तो पिछड़ा राज्य है, अगर केंद्र वाले सहायता करते, यानी कि सारा सीधा नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर था, तो काफ़ी आगे बढ़ जाता। खैर, वो तो विशेष राज्य का दर्जा देंगे भी नहीं, ये उन्होंने मान लिया है, वो देंगे भी नहीं, यानी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार नहीं देने जा रही है। नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। इतना तो आप कर रहे हैं, लेकिन आज तो सुन लिए ना उप मुख्यमंत्री जी ने जो क्या बात आप लोगों को कही है। हम लोग तो चाहते हैं कि जितना जरूरत है उतना पद का सृजन करके लोगों की बहाली होनी चाहिए, इसलिए जरूरी है। और हम तो इन लोगों को कह रहे हैं कि आप बता ना रहे हैं भाई, अब हम कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, कितना इंस्टीट्यूशन खोल दिए, अब उसके बाद आप बहाली नहीं करिएगा तो लोग अनएम्प्लॉयड रहेगा, किसलिए बहाली कर रहे हैं? हम भी तो इंजीनियरिंग ये ना पढ़े हैं जी, अब बात अलग है। इंजीनियरिंग के बाद हमको नौकरियां मिलिए रहा था, लेकिन हम छोड़ दिए, हम तो राजनीति में आ गए, वो अलग बात है। लेकिन सब दिन हम ख्याल रखते हैं सब लोगों का, और इंजीनियर की जो भूमिका है कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका ख्याल करते रहते हैं। तो एक एक चीज पर ध्यान रखना है, और हम सब लोगों को कह रहे हैं कि इतना का तो कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा पद का सृजन करके आप लोगों को नौकरी दीजिए, और इसके बारे में नियमित रूप से जारी रखिए कि जो लोग रिटायर करेंगे उसकी जगह पर तत्काल बहाली का भी काम करिए, ताकि ये पूरा का पूरा काम चलता रहे। ये बहुत आवश्यक है, और ये सब काम तो चल ही रहा है। और इसके बाद एक नियुक्ति की बात है, आप समझ रहे हैं कि कितना सबूत, कितना ज्यादा जरूरत है। आपको सबको मालूम है कि आप जो है जल संसाधन विभाग का, आप पहले तो एक ही हिस्सा में बचा हुआ था, तभी तो इनको बता रहे थे, तो इसीलिए उसको सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन दो हिस्सा में हमने बटवाया। हमने कहा एक ही रहेगा तब बाढ़ वगैरह का समय आता है, सब उसी में लगा रहता है, और सिंचाई का काम कम हो रहा, इसलिए हमने कहा ये नहीं, दो हिस्सा में बांटिए, एक हिस्सा आपके यहां करेगा बाढ़ नियंत्रण का काम, या सुखाड़ से स्थिति के सामने जो भी करना है वो करेगा, और दूसरा आदमी करेगा सिंचाई की व्यवस्था करने का। तब ये तो मान लिए 15 के बाद 16 में, और उसके पहले भी इनका भाषण सुन रहे थे विजय कुमार चौधरी जी का, इनको हम बनाए हुए थे, इनको भी कहे थे, लेकिन उस समय कर नहीं पाए थे। हम कहते रहे कि कर दीजिए जल्दी से जल्दी, काहे देर कर रहे हैं, इसको तेजी से करना चाहिए, दो हिस्सा में बांटना चाहिए, लेकिन उस समय नहीं किए। लेकिन 15 में जिनको जिम्मेवारी दिए थे वो मेरी बात को तुरंत मान लिए ललन बाबू, और उसके बाद जो है 16 में ही इस काम को पूरा का पूरा शुरू कर दिया गया, दो हिस्सा में बांटने का, और अब सब काम कर रहे हैं। अब उसके चलते श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी हम लोग केंद्र में मंत्री थे, उस समय करवाए और भेजा गया, लेकिन अब तक वहां काम नहीं होता है। जब भी नेपाल के लोग आते हैं, हम सब बार उनसे यही रिक्वेस्ट करते रहे, पहले भी जब गए हैं तब, और जब कभी यहां आते हैं तब, क्या उनके चीफ मिनिस्टर तक नहीं आए हैं यहां पटना? हमने सबको कहा कि भाई अरे जब तेजी से काम करवाइए, लेकिन अभी पूरा तेजी से काम हो नहीं रहा, तो उसके चलते तो बहुत कठिनाई होती है, तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए बाकी सब जो काम हम लोग को करना है वो तो पूरा कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग जितना कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोगों ने प्लान कर लिया। तो एक एक चीज के लिए उन सब चीजों को भी करना है, ताकि इस मामले में हो, और जो
दक्षिण बिहार है उसमें भी जो बाकी जितनी समस्याएं हैं सब का करना, और ताकि हमेशा पानी रहे और पानी का संकट नहीं रहे। तो इसलिए हर खेत तक जो हमने आपको कहा कि अगले 4 साल के अंदर इस काम को पूरा कर देना है, ये कोई मामूली बात होगी? आप सोच लीजिए, हम लोग तो गरीब राज्य, और अभी तो उप मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलता तब तक तो हम बिल्कुल खत्म हो जाते, हम गरीब नहीं रहते। लेकिन वो सब तो देते नहीं या देंगे भी नहीं, तो हम लोग तो अपनी तरफ से ही सारा काम कर रहे हैं, और इतना काम करते करते लोगों की आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में सुधार आया है, और आगे और ज्यादा बढ़ाना है हम लोगों को, तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है, और उसमें जो काम डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है मुझे खुशी है, और बाकी जितना इनका प्रोजेक्ट, इन सब प्रोजेक्ट के बारे में बार बार हम लोग मीटिंग करते रहते हैं, और इनको हम बराबर कहते रहते हैं कि सभी जगह पर ये पूरा का पूरा काम कर दीजिए। और सर, नीतीश कुमार की बातों को सुना है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ लोगों को प्रोत्साहित किया और कहा है कि समाज में तनाव पैदा नहीं होने दीजिएगा? सभी से आग्रह किया है, सभी को बधाई दी है, जितने नवनियुक्त कर्मी हैं इन्हें नियुक्ति पत्र बांटा गया है। तो ऐसे में ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, सभी ब्रह्मा दीदी जो है मंच पर बैठे हुए हैं, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन इन दिनों आप देख रहे हैं बिहार में खूब हो रहा है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या फिर अब गृह विभाग में भी बड़ी संख्या में बहाली होने वाली है, नियुक्ति पत्र बढ़ने वाले हैं। आज जल संसाधन विभाग की ओर से कार्यक्रम रखा गया था, तो आपने सुना नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।